फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गौतम और वीरा दोनों फ्रेंच क्लास में मिले थे। गौतम इंडियन फॉरेंस एजेंसी में काम करता है, तभी दोनों में प्यार हो जाता है, शादी भी हो जाती है। इनके रिसेप्शन में गौतम वीरा को सबके सामने रिंग पहनाता है। इनकी फैमिली का मानना होता है कि वह रिंग बहुत लकी है, जिसके पास ये वह रिंग होती है उसका लाइफ पार्टनर उसको मिल जाता है। गौतम को यह रिंग उसकी मोम ने दी थी, उसके बाद वीरा उसे मिल गई। उस पार्टी में जग्गी और उसके दो दोस्त आए हुए होते हैं, लेकिन वह गौतम और वीरा में से किसी के भी फ्रेंड नहीं होते। गौतम जग्गी से पूछता है कि तुम किसी तरफ से आए हो इस पार्टी में। वह उसकी बातों को मजाक में ले लेते हैं। फिर गौतम पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है, लेकिन जग्गी कहता है पुलिस वाले भी हमारे जानकार हैं। वह गौतम को सॉरी बोलता है और उसकी वजह से गौतम का मूड ख़राब हो जाता है। जग्गी गौतम से अपनी पार्टी इंजॉय करने के लिए कहता है और इसके बाद में वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जग्गी गौतम के स्पीच से बहुत इंप्रेस होता है। अब उसे भी लगता है कि जो उसकी लाइफ में उसका प्यार होगा वह एक दिन उसे ज़रूर मिल जाएगा। अब 3 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पहाड़ी रास्ते से कुछ लोग जाते हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से एक जग्गी भी होता है। उन सबके पास जितने भी आईडी प्रूफ जैसे पासवर्ड वगैरह कुछ भी ऐसा होता है जिससे उसकी पहचान हो जाए, वह उन सबको जला देते हैं। जग्गी और उनमें से एक दूसरा बंदा जिसका नाम बिलाल होता है, वह अपने अपने फेवरेट फ़ोटो छुपा लेते हैं। उन सब में से एक जग्गी और बिलाल को लंदन जाना था। वह सब ट्रक से जा रहे होते हैं। आगे चेक पोस्ट आने वाला होता है तो ड्राइवर उनसे कहता है कि चेक पोस्ट आएगा और वहाँ पे मशीन से चेकिंग होगी, इसलिए अपनी सांस से रोक लेना। जब उनकी बारी आती है तो बिलाल सांस नहीं रोक पाता। जैसे ही उसकी सांस निकलती है उनकी मशीन चेक कर लेती है ट्रक में कोई है, और वे लोग उन सबको पकड़ लेते हैं। गौतम की पोस्टिंग फ्रांस में होती है क्योंकि वह इंडियन फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा होता है। गौतम देखता है कि काफ़ी लोगों को पकड़ के लाया जाता है, जिनमें से लड़के और लड़कियां सब होते हैं। उनमें से किसी के पास भी कोई आईडी प्रूफ नहीं होता। जग्गी से ऑफिसर कुछ पूछने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। जब वह गौतम को देखता है तो उसे आवाज़ लगाता है। पहले तो गौतम उसे नहीं पहचानता, लेकिन जब वह स्पीच बोलता है तो गौतम उसे पहचान लेता है कि यह वह लड़का है जो शादी के फंक्शन में आया था। गौतम उससे कहता है कि तुम यहाँ भी बिना बुलाए आ गए। जग्गी कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी वजह से आया हूँ, आपने जो स्पीच दी थी बस उसी की खोज में निकल रहा था। अब कहानी 3 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहाँ हम लोग देखते हैं जग्गी और उसके दोनों दोस्त हॉकी प्लेयर हैं और वह कॉलेज की टीम से खेल रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त बाहर से आता है और कहता है कि स्विमिंग के गेम में पटाखा लड़कियाँ हैं, इसलिए तीनों उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। जब जग्गी कार्तिका को देखता है तो देखता ही रह जाता है, और जब वह उसकी तरफ आती है तो जग्गी अपने दोस्त से बोलता है कि उसकी पिक क्लिक करें जिसमें कार्तिका भी होती है। वह उससे कहती है कि पिक जो तुमने ली है उसको अभी डिलीट कर दो, क्योंकि उसके फादर लंदन से है, तुम्हारे पीछे लॉयर भेज देंगे। लेकिन वे तीनों उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। उसके मना करने के बाद भी जग्गी कार्तिका की पिक को अपने प्रोफाइल पर पोस्ट कर देता है और उसकी पिक वायरल हो जाती है। फिर कार्तिका और उसकी फ्रेंड बॉयज़ हॉस्टल जाते हैं, उनकी बिना कपड़ों की पिक लेते हैं ताकि उसे पोस्ट कर सके। जब कार्तिका जग्गी की पिक लेती है तो जग्गी उससे बिना कपड़ों के अलग अलग पोज में पिक क्लिक करवाने लग जाता है, जिससे कार्तिका को खुद को शर्म आ जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। कार्तिका स्विमिंग प्रैक्टिस करती है, वहाँ पर जग्गी भी पहुँच जाता है। कार्तिका जग्गी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जग्गी फिर भी वहाँ से नहीं जाता। फिर वह जग्गी से कहती है, ठीक है तुम टाइम मैनेज करो, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जब वह अपनी टाइमिंग चेक करती है तो वह काफ़ी ख़राब होती है। जग्गी उससे मजाक में कहता है कि तुम अपना वेट कम करो, और यह कहकर वह वहाँ से भाग जाता है। कार्तिका भी वहीं पहुंच जाती है जहां पे जग्गी और उसके फ्रेंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जग्गी कहता है, अगर तुम इतने प्रेशर में स्विमिंग करोगी तो कभी नहीं जीत पाओगी, इसलिए जब भी तुम स्विमिंग करो उसको पूरा एंजॉय करो बिना किसी स्पीड से, फिर देखो तुम सबसे आगे निकल जाओगी। जब कार्तिका दोबारा प्रैक्टिस करती है तो भी उसकी टाइमिंग जो है वो ख़राब ही आती है। जग्गी उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम्हारी ऐसी ही प्रैक्टिस रही तो तुम कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाओगी। यह सुनकर वह जग्गी को पानी में गिरा देती है। जग्गी बोलता है कि उसको तैरना नहीं आता, पर कार्तिका उसको इग्नोर करती है। पर थोड़ी देर बाद में जब वह देखती है तो जग्गी पानी में डूब चुका होता है, तो कार्तिका पानी में कूद कर उसे बाहर निकाल लेती है और उसे CPR देती है। जब जग्गी को होश आता है तो वह कार्तिका से कहता है कि तुमने मुझे किस किया। यह सुनकर कार्तिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जग्गी उसको सॉरी बोलने उसके पीछे जाता है, और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि सब पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहां वे दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं। कार्तिका जग्गी को तैरना सिखा देती है।
का की स्विमिंग टाइमिंग भी सही हो जाती है जिससे वह फाइनल में जा सकती है। इसी बीच जग्गी को उससे प्यार हो जाता है। कार्तिका के पेरेंट्स अचानक इंडिया आ जाते हैं। वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा पाती है क्योंकि वह पूरी रात जग्गी के साथ होती है। जब कार्तिका का फाइनल मैच होता है जग्गी उसे काफ़ी चीयर करता है और यह सब उसके फादर भी देख रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई लड़का कार्तिका को चीयर कर रहा है। कार्तिका स्विमिंग में फर्स्ट आ जाती है। जब जग्गी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने जाता है कार्तिका अपने पेरेंट्स से बताती है कि यह उसका सिर्फ एक दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पर कार्तिका की मॉम जग्गी से कहती है कि 3 महीने बाद में कार्तिका की शादी है लंदन में। यह सुनकर जग्गी का दिल टूट जाता है। कार्तिका की मॉम उसके शादी का कार्ड दिखाती है ताकि उसे फाइनल कर सके और वह जग्गी के हाथ में रह जाता है। फिर जग्गी उससे बात करने जाता है और उससे पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है। वह बहुत सीरियस होता है लेकिन कार्तिका उसको कार्ड दिखा के कहती है सब कुछ भूल जाओ और मूव ऑन करो। उसको सॉरी भी बोलती है। आज गेम का लास्ट दिन होता है इसलिए नाइट में पार्टी होती है जिसमें सभी अपना टैलेंट दिखाते हैं। जग्गी भी डांस करता है। सभी काफ़ी खुश होते हैं उसका डांस देखकर। डांस खत्म होने के बाद जग्गी कार्तिका को शादी करने के लिए मना कर देता है लेकिन कार्तिका शादी सिर्फ सेटल होने के लिए करना चाहती है। वह शादी को लेकर बहुत प्रैक्टिकल होती है जबकि जग्गी ऐसा नहीं होता। वह कार्तिका से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है क्योंकि वह सच्चा प्यार करता है। कार्तिका उससे कहती है ऐसा नहीं होता, मैं अचानक से शादी कैंसिल नहीं कर सकती और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर करते हो तो लंदन आ जाना, मैं शादी कैंसिल कर दूँगी। जग्गी इस बात को सीरियस ले लेता है लेकिन कार्तिका ऐसे ही बोल देती है। इसके बाद वह दोनों अलग हो गए। हमें दिखाया जाता है कि जग्गी ने वीज़ा के लिए अब काफ़ी अप्लाई किया था पर एजेंट उसके पैसे लेके भाग गया इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वह बिना वीज़ा ही लंदन जाने के लिए निकल जाता है। गौतम उससे कहता है कि उस दिन जो रिसेप्शन में मैंने कहा था वह सिर्फ एक स्पीच थी ना कि फिलोसफी, इसलिए तुम्हें उसे दिल से निकाल देना चाहिए। और अब हमें 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। गौतम और वीरा वह एक पार्टी में गए थे जहाँ पर गौतम के सीनियर थे और वीरा की उनसे बहस हो गई थी और उसके लिए वीरा गौतम को सॉरी बोल देती है लेकिन गौतम को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि वीरा को गौतम की रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं होती। उसे जो करना होता है वह करती है। वह घर आ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक लड़का मिलता है। गौतम उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? वह लड़का बोलता है मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और मेट्रो के पास एक बस्ती में रहता हूँ। उसमें काफ़ी लोग रहते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, काफ़ी देश के। इसके बाद हमें TV पर एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि उस बच्चे को और वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे उन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और यह सब गौतम ने करवाया था। वीरा उसके ऊपर गुस्सा करती है, वह एक बच्चा है, बस एक बच्चा, और तुमने उसे और उसके बस्ती वालों को पकड़ा दिया। गौतम थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर का होता है। वह उससे कहता है कि अगर कल को हमारे घर में कोई अनजान आदमी आकर रहने लगे तो तुम क्या करोगी? वीरा उसकी बात नहीं समझ पाती और उन दोनों में बहस हो जाती है। वीरा को थोड़ा स्पेस चाहिए था इस रिश्ते से इसलिए वह गौतम को छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गौतम जग्गी को समझाता है वह लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है और अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा वेट करेगी तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। गौतम जग्गी के पेपर रेडी करवा देता है ताकि उसे इंडिया भेजा जा सके। इंडिया की फ्लाइट में थोड़ा समय था इसलिए दोनों एक होटल में रुकते हैं। जग्गी मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है और वह होटल की छत पर चढ़ जाता है। गौतम उसको समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है। जग्गी कहता है आप हार मान सकते हो लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। गौतम भी उसे रोकने के लिए दीवार पर चढ़ जाता है। जैसे ही गौतम जग्गी का हाथ पकड़ता है वह नीचे गिर जाता है लेकिन गौतम उसको पकड़ लेता है। जग्गी ऊपर आने के बहाने गौतम के हाथ को काट लेता है और नीचे कूद कर भाग जाता है। गौतम उसकी पिक सभी जगह भिजवा देता है ताकि उसे पकड़ा जा सके। गौतम को यकीन होता है कि वह उसी रास्ते से जाएगा जहाँ से उसे पकड़ के लाया गया था क्योंकि लंदन जाने के लिए वही एक रास्ता होता है, वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता। जग्गी एक रिफ्यूजी कैंप में रुकता है, बिलाल भी वहीं पर होता है। जग्गी को मंडे तक लंदन पहुँचना होता है। बिलाल उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारा काम हो सकता है। तभी दो आदमी उसको पकड़कर पीटने लग जाते हैं और उसको कहते हैं हमें पैसे दो, इसलिए बिलाल को मारना भी शुरू कर देते हैं। जग्गी उनसे कहता है कि उसके पास एक बंदे का फ़ोन नंबर है, गौतम, जो कि इंडियन एजेंसी में काम करता है, वह उसको कॉल करेगा और कुछ पैसे मंगवा लेगा। लेकिन वह गौतम के बजाय कार्तिका को कॉल करता है और उससे बात करने लग जाता है और वह कहता है कि मैं फ्रांस में हूँ, जल्दी ही लंदन पहुँच जाऊँगा। यह सुनकर कार्तिका को शौक लगता है
बाद में उसे लगता है कि वह मजाक कर रहा है। उन दोनों आदमियों में से एक आदमी को पता चल जाता है कि जग्गी किसी लड़की से बात कर रहा है और फिर वह उसे मारना शुरू कर देते हैं। कार्तिका की फ्रेंड कॉल सुनती है और वह कहती है यह तो फ्रांस का नंबर है और जग्गी फ्रांस में है, लेकिन फिर भी वह उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती। उधर जग्गी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। गौतम उसे लेने के लिए वहीं पहुँच जाता है। जब उसे लेकर आ रहा होता है तो जग्गी उसे कार रोकने के लिए कहता है ताकि वह दरिया देख सके। गौतम उसे बताता है कि यहाँ से लंदन 20 मील दूर है। तभी उसके पास अपना दोस्त का फ़ोन आता है और वह उसको बताता है कि इंडिया की फ़्लाइट 2 दिन बाद है, मतलब मंडे की। उससे पहले कुछ भी नहीं होता। गौतम परेशान हो जाता है। अब उसको 2 दिन और जग्गी को झेलना पड़ेगा। इसके बाद जग्गी कार्तिका के लिए एक ड्रेस खरीदने के लिए जाता है। उसका साइज़ पूछने के लिए गौतम का फ़ोन लेता है, कार्तिका को कॉल करता है। कार्तिका उसे कहती है कि तू फ्रांस में है और तू वहीं से वापस चला जा, क्योंकि मैंने जो भी कहा था वो सब मजाक में कहा था और मेरी बातों को सीरियस लेकर तू यहाँ आ गया। जग्गी कहता है अगर शादी होगी तो हम दोनों की होगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी फ़ोन कट हो जाता है। जग्गी उसको इमेज करके उसकी ड्रेस का साइज़ बताता है। यह सब देखकर गौतम को बहुत अच्छा लगता है। जब वे रास्ते से जा रहे होते हैं तो गौतम को वीरा दिखाई देती है जो उन लोगों को खाना बांट रही थी जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वीरा गौतम को नहीं देख पाती। गौतम एक लड़के से उसी खाने के लिए पैसे देता है जो वीरा बांट रही थी। खाना लेकर वह अपने घर आ जाता है और उसी खाने को खाने लग जाता है क्योंकि उसको वीरा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अगले दिन जग्गी को गौतम थोड़ा निराश दिखाई देता है क्योंकि उसके दिल में अभी भी वीरा थी। इसलिए जग्गी वीरा को फ़ोन मिलाकर गौतम को दे देता है। वीरा उसे मिलने के लिए कहती है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं गौतम को थोड़ा सुकून होता है। जग्गी भी वहाँ जाता है और वीरा को याद दिलाता है मैं वही लड़का हूँ जो आपकी शादी के रिसेप्शन में आया था। फिर इन दोनों को अपनी शादी में इन्वाइट करता है और वहाँ से चला जाता है। जग्गी के जाने के बाद में वीरा गौतम से कहती है कि हम दोनों बहुत ही अलग हैं, इसलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद वह गौतम को डिवोर्स के पेपर दिखा देती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वह उसको शादी वाली रिंग भी वापस कर देती है। हमें दिखाते हैं कि वीरा ने पहले ही डिवोर्स के पेपर पर साइन कर रखा था। गौतम भी गुस्से गुस्से में उन पेपर्स पर साइन करके वहाँ से निकल जाता है और वह अपना सारा गुस्सा जग्गी पर निकालता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि अब यह कमरे का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तुम्हारी फ्लाइट होगी। सुबह को वीरा गौतम के घर आती है और वह बोलती है कि तुमने रात में 10 बार मुझे कॉल किया था, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। गौतम कहता है कि उसने कॉल नहीं किया। तब वह देखता है कि जग्गी कमरे में नहीं होता और उसने वहाँ पर एक नोट छोड़ा हुआ होता है उसके लिए। उसमें लिखा होता है अगर उसने हार मान ली, अगर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया तो मर जाएगा। जग्गी कार्तिका के पास वॉइस मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे पास तैर के आ रहा हूँ, अगर लेट हो जाए तो इंतज़ार कर देना। कार्तिका उस मैसेज को सुनकर गौतम को कॉल करती है और वह उसको बताती है कि जग्गी कुछ तैरने की बात कर रहा था। गौतम कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में पता चले तो फ़ोन कर देना। गौतम वीरा को बताता है जग्गी उस लड़की के चक्कर में पागल हो गया है और वह इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर लंदन जाना चाहता है। वीरा कहती है कि उसमें तो वह मर जाएगा। फिर वह दोनों उसको ढूंढने जाते हैं। कार्तिका जग्गी को लेकर बहुत टेंशन में होती है। जग्गी उस इंग्लिश चैनल में डूबने वाला होता है तो कोस्ट गार्ड उसको बचा लेते हैं। गौतम कार्तिका को बताता है कि जग्गी को कोस्ट गार्ड ने बचा लिया। वह कार्तिका से पूछता है कि अगर जग्गी लंदन पहुँच जाता तो क्या तुम शादी तोड़ देती। कार्तिका कहती है नहीं, ऐसा कौन करता है, आज के टाइम में सभी प्रैक्टिकल होते हैं, कौन इतना पागल है कि इस तरह प्यार कर सकता है। गौतम उसे कहता है कि अगर जो भी करना है वह तुम्हें करना है, जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। कार्तिका की बातें उसके फादर सुन लेते हैं। वह उससे कहते हैं कि जब तुम छोटी थी तब हमारे बीच में बहुत झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम उसके फादर की लाइफ में कोई और लड़की थी, उन्होंने उसे छोड़कर अपनी फैमिली को चुना, उन्होंने सोच समझ कर फैसला लिया था। वह चाहते थे कार्तिका भी प्रैक्टिकली सोचे, वहाँ इंडिया में जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। कार्तिका गौतम के पास फ़ोन करती है और जग्गी को बहुत सुनाती है उसकी हरकत के लिए। कहीं ना कहीं कार्तिका को भी उससे प्यार होने लगा था, बस उस प्यार का एहसास है वो बहुत धीरे हुआ था। इसके बाद गौतम जग्गी को वीज़ा तैयार कर देता है किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट से ताकि वह सही टाइम पर लंदन पहुँच जाए। वीरा उसको समझाती है कि तुम अपनी जॉब को खतरे में डाल रहे हो,
जिसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। गौतम कहता है कि मैंने तो सब कुछ पहले ही खो दिया है, पर जग्गी को उसके प्यार से मिलाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। दूसरी तरफ कार्तिका अपने फादर को बोल देती है कि यह उसकी लाइफ है और यह शादी नहीं करना चाहती। वह अपने डैड से कहती है, आप डरपोक थे, आपने हमें कमज़ोर समझा, इसलिए आपने अपने प्यार को छोड़ दिया और हम लोगों को चुना, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। यह सुनकर डैड को गुस्सा आता है और वह उसे कमरे में बंद कर देते हैं। कार्तिका की फ्रेंड उसके लिए एक पिज्ज़ा लेकर आती है और उसमें एक फ़ोन भी होता है। गौतम ने इंस्टाग्राम पे उसके फ्रेंड से कॉन्टेक्ट किया था ताकि वह कार्तिका से बात कर सके। जब कार्तिका जग्गी से बात करती है तो वह कहती है कि तुम फ्रांस में रहो, मैं वहीं पे आ जाऊंगी। पर जग्गी कहता है कि नहीं, मैं वहाँ लंदन आ जाऊंगा, वो भी लीगली तरीके से। इसके बाद गौतम और जग्गी दोनों साथ में एयरपोर्ट आते हैं क्योंकि गौतम भी उसके साथ जाता है। गौतम उसे वही रिंग देता है जो उसने वीरा को दी थी। एक आदमी बिलाल को पकड़ लेता है। वह लेडी ऑफिसर से कहता है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। वह गौतम और जग्गी के बारे में सब कुछ बता देता है। गौतम के दोस्त को भी पता चल जाता है कि गौतम किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट से जग्गी को लंदन ले जा रहा है और वो भी इनलीगली तरीके से। सभी एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। वहाँ पर गौतम को पकड़ लिया जाता है। वह उनसे कहता है कि उसके साथ कोई नहीं है, वह अकेला है। एयरपोर्ट पर जिस बस से जग्गी जा रहा होता है उसे पुलिस रोक लेती है। लेडी पुलिस ऑफिसर को गौतम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वह उसे जाने देती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि पुलिस एरोप्लेन के अंदर चेक कर रही है पर उन्हें वहाँ पे जग्गी नहीं मिल रहा। हमें दिखाया जाता है कि जो जग्गी जो है वो एरोप्लेन के टायर वाली जगह पर छुप जाता है। जग्गी सोचता है कि वहाँ पर छुप कर वह लंदन पहुँच जाएगा। फ्लाइट के अंदर जग्गी को सपने आने लगते हैं कि वह कार्तिका के पास पहुँच गया है, उसकी शादी हो रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ठंड की वजह से जग्गी की हालत ख़राब हो गई है और उसके ऊपर बर्फ़ जम गई है। जब फ्लाइट लैंड होने वाली होती है तो गौतम समझ जाता है कि जग्गी फ्लाइट के उसी टायर वाली जगह पर छुपा हुआ है। लैंडिंग से पहले जब फ्लाइट के टायर ओपन होते हैं तो जग्गी वहाँ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गौतम को यह सब देख कर बहुत दुख होता है। वह जग्गी के सामान को लेकर कार्तिका के पास पहुँच जाता है तो कार्तिका उससे पूछती है कि जग्गी नहीं आया। तो गौतम बताता है कि रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो एक एक्सीडेंट में जग्गी की मौत हो गई। यह सुनकर कार्तिका बहुत रोती है और गौतम को भी महसूस होता है कि उसको भी अपने प्यार को अपना लेना चाहिए। गौतम वीरा के पास जाता है और सॉरी बोलकर उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इंडिया में सब साथ में होते हैं, कार्तिका, उसके दोस्त, जग्गी के दोस्त, गौतम और वीरा। तब कार्तिका सबसे कहती है कि आज हम जग्गी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसी की तरह करेंगे। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने वही ड्रेस पहनी होती है जो जग्गी उसके लिए खरीद के लाया होता है। वह पार्टी को एंजॉय करती है पर उसके दिल में अभी भी काफ़ी दुख होता है जग्गी के लिए। यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हाई फाई मूवी पैकेट।